हेलो बच्चों, चलो अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ सारी चीजों को। परिमेय संख्याएं पता थी सबको क्या होती है? परिमेय संख्याएं क्या होती है, यस और नो? यस मैम, यस मैम। तो जल्दी जल्दी से एक एक परिमेय संख्या बता दो। पायल पहले आप बताओ। एक बटा दो, वेरी गुड आरती। और परिमेय संख्या लिखो। हाँ, एक एक परिमेय संख्या तो लिख ही सकते हो। जल्दी से एग्जाम्पल लिखो परिमेय संख्याओं का। आरती ने लिखा है 1/2। और विवेक, पायल, मुस्कान, वेरी गुड आरती। आरती ने एक और एग्जाम्पल लिख दिया 3/6। 3/6 का मतलब भी बेटा 1/2 ही होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 के बराबर ही आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान, 2 भी एक परिमेय संख्या है, शाबाश। वेरी गुड विवेक, 1/4 भी एक परिमेय संख्या है। पायल, 2/4, 2/4 का मतलब भी 1/2 होगा। 2/6 लिख सकते हैं, ये 2/6 लिख सकते हैं, या फिर -2/6 लिख सकते हो, -2/3 लिख सकते हो। √16, क्या ये परिमेय संख्या है? √16, 36। वेरी गुड, 4 हो गया, 36 हो गया, 4 हो गया, 36 हो गया, -4 हो गया, -36 हो गया, 0 हो गया। ये सारी के सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं, अपरिमेय संख्या, सभी बच्चे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देंगे। √5 मैम, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। √5 हो गया, √3 हो गया, 2/√7 हो गया, और √5 + √3 हो गया, या फिर √2 + 2 हो गया, या फिर √2/2 हो गया। ये सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। √7, √17, ये सारी 2/5, बिल्कुल ठीक जवाब, 2/5 आ जाएगा, या -2/5 आ जाएगा, है ना? आप अंडर रूट के साथ चाहे कुछ भी जोड़ दो, ये अंडर रूट आ गया, +2, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको माइनस कर दो, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको गुणा कर दो, ये भी अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब जितनी भी संख्याएं आपके सामने सारी लिखी हुई है, इनको क्या कहोगे आप? परिमेय अपरिमेय नहीं, जितनी भी लिखी लिखी हुई है आपके स्क्रीन पर, इन सबको क्या कहेंगे हम? याद है किसी को? जो आपका चैप्टर का नाम भी है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक वास्तविक संख्याएं। तो ये सारी मिलकर क्या बना देती हैं? परिमेय अपरिमेय संख्या संख्याएं टोटल मिलकर क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ये हो गई वास्तविक संख्याएं, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। बेटा माइक किसने ऑन किया हुआ है? ठीक है, तो ये मिलकर क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हो गई। समझ में आ गया वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अब वास्तविक संख्याओं तो क्लियर है ना, मैंने एक छोटा सा रिवीजन करा दिया है। यस और नो? नेहा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। सुमित, अच्छा क्लियर है सबको? ठीक है, यस अब मैम। बात करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, इनका जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह से होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपने √2 में √3 को जोड़ना है, क्या आप जोड़ सकते हो? क्या आप जोड़ोगे? इनको जोड़कर क्या आएगा? √2 + √3। यस मैम, अच्छा चलो, एक ने बोला 5, और कोई? √5 मैम। √5। चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4 ऑप्शन। ठीक है, पहला √5, दूसरा ऑप्शन √6, तीसरा ऑप्शन √2 + √3, या फिर ऑप्शन नंबर 3। क्या कर सकते हैं इसको हम? 5 लिखेंगे खाली, 5 भी आ सकते हैं। तो
एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट है? ए ओके सब लिख दो अपने अपने, या ऐसा करते हैं पोल में ही ले लेते हैं इसका आंसर, है ना? सब बच्चे पोल में आंसर कर देंगे। एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट है? सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करो। ओके 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 फटाफट से सभी कर दो। स्क्रीन नहीं आ रही है नेहा, तो एक बार मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ, फिर बताना मुझे अगर फिर भी नहीं आए तो। पांच ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, किसने नहीं किया? दीपिका, रवि, आरती, ज्योति, सुमित, सबने कर दिया? यस मैम। अच्छा अब ये बताओ सी ऑप्शन किसने चुना है? सी ऑप्शन किसने चुना था? आप चाहे तो आंसर भी देख सकते हो पोल में। चार बच्चों ने ए चुना है, दो बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है, पोल में देख के भी आ सकते हो। सी किन्होंने चुना है वो बताओ। सी में रहेगा अंडर रूट दो और अंडर रूट तीन को जोड़कर? नो। ओके और कोई? किसने किया है? दो बच्चों ने किया है ना सी, किन दो ने किया है? आरती ने किया है और पायल ने किया है। आप दोनों ने किया ऑप्शन सी? यस यस मैम। किया है तो आप दोनों का ठीक है। बाकी सब बच्चे, बच्चों अंडर रूट दो अंडर रूट तीन आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, ठीक है? अंडर रूट दो अंडर रूट तीन आपस में, वर्गमूल दो वर्गमूल तीन आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, इनका मान यही रहेगा। आप अगर आपके मन में ये सवाल आएगा भी जुड़ेंगे कैसे, अगर आप लोगों ने अपनी बुक में कभी क्वेश्चन देखे होंगे, जब आप वो निकालते हो क्षेत्रफल वगैरह वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको देखा होगा, आपने क्वेश्चन में दिया होगा कि अंडर रूट दो का मान 1.41 लेना है, अंडर रूट तीन का मान 1.7 लेना है, कुछ ऐसा लिखा रहता है ना ब्रैकेट में क्वेश्चन के बाद, पता है सबको? देखे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा कि अंडर रूट दो का मान ये लेना है, अंडर रूट तीन का मान ये लेना है? बच्चों यस और नो देखे है ना? तो अंडर रूट दो अंडर रूट तीन का मान अगर आपको दिया गया है तो वहां पे आप भर दो, अंडर रूट दो की जगह जो अंडर रूट दो का मान क्वेश्चन में दिया गया है वो भर दो, अंडर रूट तीन की जगह जो अंडर रूट तीन का मान दिया गया है वो भर दो, और फिर इन्हें जोड़ दो। अगर आपको ये मान नहीं दिए गए हैं बच्चों, तो आप इसको ऐसा ही रहने दोगे और इस क्वेश्चन को एंड कर दोगे, आप कभी भी नहीं जोड़ोगे। अगर वर्गमूल के अंदर अलग अलग मान है तो आप उन्हें डायरेक्ट कभी भी नहीं जोड़ोगे। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? तो अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट तीन जोड़कर अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट तीन ही रहेगा, अंडर रूट पांच नहीं बनेगा। क्लियर है? अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल वाली संख्याओं का आप जोड़ कब कर सकते हो? अगर आपके पास वर्गमूल के अंदर क्या हो, नंबर सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं दो अंडर रूट तीन में चार अंडर रूट तीन को जोड़ना चाहूं, तब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी सब बच्चे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नौ और यहाँ पर आ जाएगा आठ अंडर रूट तीन, छह अंडर रूट तीन या फिर चौबीस, ठीक है? अभी पहले आप लोग खुद से सोचो कि क्या ऑप्शन हो सकता है इसका करेक्ट, ठीक है? फिर से पोल में इसका आंसर करना। चलो पोल में आंसर करो, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है? यहाँ पर ये आठ लिखा हुआ है, ठीक है? ये आठ है, आठ हंड्रेड रूपीज। क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? दो अंडर रूट तीन में आपको चार अंडर रूट तीन जोड़ना है, मतलब आपके पास दो अंडर रूट तीन है और इधर चार अंडर रूट तीन है, जब आप उन्हें जोड़ दोगे वो कितने अंडर रूट तीन हो जाएंगे? आपके पास टोटल कितने अंडर रूट तीन है? वेरी गुड, करो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं। चलो फटाफट सब आंसर करते जाओ। ओके
ओके तो अगर आप देखोगे आंसर, आठ बच्चों ने आंसर किया है और पोल में जाके आप आंसर देख भी सकते हो, हर एक ऑप्शन दो दो बच्चों ने सुना हुआ है। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बच्चों, उनका ठीक है। आपके पास यहाँ पर कितने अंडर रूट तीन है, दो अंडर रूट तीन है, यहाँ पर कितने अंडर रूट तीन है, चार। मतलब दो अंडर रूट तीन और चार अंडर रूट तीन आप जोड़ दोगे तो वो छह अंडर रूट तीन बन जाएगा। अंडर रूट तीन को ऐसे ही रहने दो, दो और चार को आपस में जोड़ लो। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कैसे समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। इन दोनों में क्या चीज ऐसी है, ये पहली टर्म हो गई, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, दोनों के पास अंडर रूट तीन है बच्चों, दोनों के पास अंडर रूट तीन है ना, तो आप दोनों के पास से अंडर रूट तीन को बाहर निकाल लो। अब मुझे बताओ पहले वाले के पास क्या बचा, दो बचा, दूसरे वाले के पास बचा चार, तो आपका ये क्या बन गया, अंडर रूट तीन गुणा छ, जिसको आप छह अंडर रूट तीन लिख सकते हो। बच्चों छह अंडर रूट तीन का मतलब ये है कि छह गुणा अंडर रूट तीन, समझ में आया। तो आपने क्या करना है, अगर वर्गमूल के अंदर जो आपकी जो संख्याएं हैं वो सेम है तो जो वर्गमूल के बाहर वाली चीज है उन्हें आप आपस में जोड़ दोगे, समझ में आया, समझ में आया बच्चों, यस और नो। यहाँ पे ऐसे देखो क्वेश्चन, ऐसे देख लो, अगर मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या था, दो अंडर रूट तीन प्लस चार अंडर रूट तीन, ये था ना क्वेश्चन में। अब अगर मैं अंडर रूट तीन को किससे हटा दूं, अंडर रूट तीन की जगह मैं लिख दूं दो पेन प्लस चार पेन, अब आपके पास कितने पेन हुए, छह पेन हुए ना, बस इस तरह से समझ लो, अंडर रूट तीन की जगह पेन लिख दिए, तो वैसे ही दो अंडर रूट तीन है आपके पास और उसमें आपने चार अंडर रूट तीन जोड़ दिया, आपके पास कितने अंडर रूट तीन हो गए, छह अंडर रूट तीन हो गए ना, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके काम आने वाली चीजें हैं ये, सो पता होनी चाहिए आपको ये सारी चीजें, ओके। अब अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, अब मैं अगर आपसे कहूं कि दो अंडर रूट तीन में आपको एक अंडर रूट तीन जोड़ना, आप कितने अंडर रूट तीन हो गए आपके पास, अंडर रूट तीन, ओके, और कोई, दो अंडर रूट तीन, दो अंडर रूट तीन, और कोई, दो अंडर रूट तीन, ठीक है। अच्छा इसको फिर से उस वाले लॉजिक से सोचो, अच्छा मैं यहाँ पे ना फिर से ऑप्शन दे रही हूँ, ए बी सी डी, पहले आप लोग बोल रहे हैं दो अंडर रूट तीन, चलो वही रखते हैं, एक और ऑप्शन रख लेते हैं तीन अंडर रूट तीन, एक और ऑप्शन रख लेते हैं अंडर रूट तीन, और एक ऑप्शन रख लेते हैं छ, ठीक है। अब ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग पोल में जाके आंसर करिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को थोड़ा, अब देखो एक मिनट फट, जल्दी मत करो आंसर करने में, जल्दी मत करो, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी मत क्या करो आंसर करने में। मैंने पहला क्वेश्चन कैसे समझाया था, अंडर रूट तीन को किससे रिप्लेस करके देखो, अंडर रूट तीन की जगह पेन लिख के देखो, आंसर आपको तब समझ में आ जाएगा, अंडर रूट तीन की जगह क्या लिखो, पेन लिखो, ठीक है। दो पेन में अगर आप एक पेन जोड़ दोगे कितने पेन हो जाएंगे, उस तरह से सोचो क्वेश्चन को, यस नीरज, गुड गुड, हाँ वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, इस तरह से क्वेश्चन को सोचो बच्चों, आप अंडर रूट तीन की जगह पेन सोच लो कि आपके पास दो पेन है उसमें आपने एक और पेन जोड़ दिया, वेरी गुड, जल्दी से आप दोबारा से करो पोल में आंसर, दोबारा से मैंने क्वेश्चन दिया है, दोबारा से फटाफट आंसर करो, यस अभी दो बच्चों ने ठीक कर दिया है, तीन बच्चों ने किया उनका ठीक है, पांच बच्चों ने, वेरी गुड, अब सबको समझ में आ रहा है, अभी सबको समझ में आ रहा है। देखो अंडर रूट तीन की जगह मैंने क्या, आप पेन या कोई भी नंबर सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप एक्स ले लो इसे, ठीक है, कि अंडर रूट तीन को ये चीज है, ऐसे करके सोच लो कि आप दो अंडर रूट तीन में एक अंडर रूट तीन को जोड़ रहे हो तो आपके पास तीन अंडर रूट तीन हो गए। अब ये चीज समझ में आ गई, तो यहाँ पर साथ में इसके एक रहेगा रहेगा, तो दो अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट तीन कितने हो गए, तीन अंडर रूट तीन हो गए, तो अभी सबको क्लियर है,
सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। और क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले बताओ सबको ये क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सब बच्चे सॉल्व करो इतने। ऑप्शन दे रही हूँ इसमें, करना है मैम इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आएगा क्वेश्चन, ये है कि इसे सॉल्व करना है, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन है आपका, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा एबीसीडी में से। ओके ठीक है, तो पायल आंसर दिखा रही है अपना, वेरी गुड पायल, वेरी गुड नीरज। तो थोड़ा ध्यान से भी आंसर करना है, जल्दबाजी में रॉन्ग मत कर दो। सभी बच्चे ट्राई करो, देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो वो पूछो, है ना, किसी को किसी भी स्टेप में कुछ समझ में नहीं आए तो वो पूछो। वेरी गुड, पायल। अच्छा ये आंचल का है, वेरी गुड आंचल, ठीक है चलो फटाफट सब करो। बेटा सिंपल से क्वेश्चन है ये, अंडर रूट के अंदर वाली जो संख्या है उन्हें सेम सेम रखना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो जल्दी से, चार बच्चे रह गए हैं, सोचो और करो क्या आंसर हो सकता है। शाबाश, चलो अब कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया आंसर करेक्ट वाला देखेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई करो सब बच्चे। अब पहले ये बताओ पांच अंडर रूट छह में क्या जुड़ सकता है? दो अंडर रूट छह, दो अंडर रूट छह जुड़ सकता है, क्योंकि इसके साथ भी अंडर रूट छह है, इसके साथ भी अंडर रूट छह है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, जो अंडर रूट छह के साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पर पांच है यहाँ पर दो है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, पांच और दो छह, पांच और दो सॉरी सात, तो आपके पास सात अंडर रूट छह आ गया। तो सी या डी कोई एक आंसर ठीक हो सकता है, तो आपके पास सात अंडर रूट छह तो पक्का है, ये तो होगा ही होगा। अब देखो माइनस आठ अंडर रूट सात माइनस नौ अंडर रूट सात, तो आपको माइनस आठ माइनस नौ जोड़ना है, तो माइनस आठ माइनस नौ कितना होता है बच्चों? माइनस सत्रह। ओके पक्का माइनस सत्रह होगा? यस मैम। पक्का खाली अंडर रूट सात नहीं आएगा? सभी बच्चे श्योर हैं इस चीज को लेकर? हाँ दयावंती क्या आएगा माइनस आठ माइनस सात करके? माइनस सत्रह कैसे आया मुझे बताएगा कोई, माइनस सत्रह कैसे आएगा? यस मैम। बताओ माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का ही रहेगा, निशान रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो हमारा निशान भी माइनस का रहेगा, तो हमारे पास माइनस सत्रह अंडर रूट सात आएगा। समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो अच्छा मैं अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ, हाँ तो दो अंडर रूट सात प्लस नौ अंडर रूट तीन में आपको अंडर रूट सात माइनस तीन अंडर रूट तीन को जोड़ना है, तो सब बच्चे फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे। पहले चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जो सॉल्व करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना अपना, जो बच्चे सॉल्व करते जाएंगे वो अपना हैंड रेज करते जाओ।
मैं यहाँ चलो ऑप्शंस भी दे देती हूँ। तो सर गेम कर लिया मैम, तो कर भी लिया। यस मैम। क्या इन चारों ऑप्शंस में से है आंसर? यस और नो बताना, आंसर मत बताना। यस मैम। चलो गुड गुड, फटाफट से पोल में आंसर कर दो फिर सभी बच्चे जिन्होंने सॉल्व कर लिया है। देखो जिसका भी आंसर ये वाला गलत होगा वो माइक ऑन करके या हैंड रेज करके या चैट में लिखकर पूछ लेना। चलो रुको मैं आंसर देख लेती हूँ जो जो अपना बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। नीरज, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। पायल आप पे दिखा रहे थे अपना आंसर। पायल मिस्टेक कर दी है छोटी सी, ध्यान से देखो फिर से अपना आंसर और देखो क्या मिस्टेक करी है। सभी बच्चे ध्यान से देखो। अच्छा अभी मैं ये पोल को बंद कर रही हूँ, एक मिनट रुको, अब एक मिनट रुको। अब मैं क्वेश्चन को एक बार, कुछ बच्चों ने सही किया है बट कुछ बच्चों ने, अब देखो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। चैट बॉक्स भी मैं भी ऑन कर रही हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, आपको हिंट दूंगी, तो सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आपको 2√7 + 9√3 में क्या जोड़ना है? आपको जोड़ना है किसे? इसको जोड़ना है, तो प्लस करेंगे क्या? √7 − 3√3 ये करना है आपको, ठीक है? तो इसलिए पायल एक मिनट में, पायल अब आंसर करना पोल में, ठीक है? अब करो आंसर। कर दिया मैम। कर दिया पोल में आंसर। यस कार्तिक बिल्कुल ठीक है आपका। हाँ पायल आपकी अभी भी सेम ही मिस्टेक है बेटा। दयावंती रुको आपका आंसर भी देखती हूँ मैं। हाँ दयावंती आपकी भी सेम मिस्टेक है। चलो बच्चों आप ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट वाली चीजें साथ में रखते हैं, ठीक है? तो मैं ये स्टेप आपकी मर्जी, आप करना चाहो करो, नहीं तो नहीं। आप 2√7 और उसके साथ √7 जुड़ेगा ना, उन्हें एक साथ लिख लो, इन्हें एक साथ लिख लिया और √3 वाली चीजें एक साथ लिख लो। थोड़ा सा हमने आगे पीछे करके लिख दिया इनको, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं ये, अरे आपकी मर्जी, आप कर लिखना चाहो लिखो, नहीं तो नहीं ये वाला स्टेप। अब इन दोनों को जोड़ो। जब आप 2√7 में 1√7 जोड़ोगे कितने √7 हो गए? 3√7। अब गड़बड़ कहाँ करी है बच्चों ने, आपने 9 और 3 को भी जोड़ दिया है, जबकि ये दोनों तो माइनस हो रहे हैं ना, जबकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, तो प्लस 6√3 आना चाहिए था, ना कि 12√3। मैम जी, हाँ जी, 7 आएगा यहाँ पर, 3√7। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर √7 आएगा। पायल समझ में आया आंसर कहाँ मिस्टेक हो रही थी? हाँ मुस्कान आपका ठीक है। पायल और आंसर बेटा समझ में आया मिस्टेक कहाँ हो रही थी? हाँ अब ठीक है, 6 आएगा बेटा वहां पर, है ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 9 और 3 को। भले क्वेश्चन में जोड़ने को बोला गया है लेकिन हम जोड़ते, जोड़ किसको रहे हैं? 9 को और -3 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ के प्लस 6 आएगा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। सबका अच्छे से किस तरह से जोड़ना है? यस मैम। वेरी गुड। अब सीखते हैं बच्चों घटाएंगे कैसे, अब सीखेंगे हम, सही था, वेरी गुड। अब सीखेंगे घटाएंगे कैसे। घटाना भी सेम ही रहेगा बट थोड़ी सी एक चीज चेंज होगी, ठीक है? क्या रहेगी वो मैं बताती हूँ। अगर आपको 3√5 में 3√5 माइनस 2√2 में से घटाना है किसको, अब घटाते टाइम ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप ओके प्रिंस, ठीक है,
चाहे आप कभी भी घटाव कर रहे हो, चाहे आप जो है जब आप बहुपद पढ़ते हो तब घटाव कर रहे हो, चाहे आप किसी समीकरण की बात करो, जब भी आपने घटाना है आपने ब्रैकेट हमेशा लगाना है और ब्रैकेट के अंदर दूसरी वाली जो भी संख्या है आपने वो लिखनी है। पहला स्टेप हमेशा याद रखना घटाव के टाइम पे। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, आप ब्रैकेट को खोलते हो तो ये जो बाहर वाला माइनस होता है ये अंदर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब इस माइनस की गुणा इस अंडर रूट दो से होगी बच्चों क्या आएगा, माइनस अंडर रूट दो। सभी बच्चे मानते हैं इस बात को कि माइनस दो अंडर रूट दो आ जाएगा। यस मैम। तो ये दो चीजें क्लियर है, जब भी माइनस बाहर होगा आपने सबसे पहला काम करना है कि ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद उस माइनस की गुणा उस पूरे अंदर के साइड होगी। इसके बाद क्या लिखूं मैं, माइनस को माइनस से करके प्लस हो जाएगा, प्लस दो में। सभी बच्चे बोलते हैं कि प्लस दो आना चाहिए। यस मैम। हाँ वेरी गुड। तो ये माइनस है, अब इस माइनस की पहले वाली संख्या से तो गुणा कर दी, दूसरी से भी गुणा कर दो। तो जब माइनस की गुणा आप माइनस दो से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस का दो हो जाएगा। अब सब बच्चे इसको सॉल्व करो और क्या आंसर आएगा चार्ट में लिख दो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको, जिसका जो आंसर आएगा, गलत भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, गलत भी आ रहा है तो भी गलत वाला आंसर लिखो, किसी दूसरे का चीटिंग करके सही आंसर लिखने से वो बेटर है। कार्तिक आपका सिर्फ दो आ रहा है, छोटी सी मिस्टेक है नीरज आपकी, एक बार फिर से चेक करो ये जो अंडर रूट दो वाली चीजें इन्हें चेक करो। ओके चलो सुमित ने भी लिख दिया है अंडर रूट पांच प्लस दो, कोई बात नहीं, जिसके रॉन्ग आंसर है वो भी लिखो, किसी दूसरे का चीटिंग करने से बेटर है वो। ओके तो पायल आपका आया है अंडर रूट पांच प्लस दो, ये तीन कहाँ गायब कर दिया पायल? मैम हाँ जी कर दिया नीरज आपने, एक मिनट देखती हूँ मैं। ठीक है कैमरा बंद कर लो नीरज, बाकी सब एक और बार से अपने मिस्टेक देखो। अंडर रूट वाली जो जो अंडर रूट के अंदर वाली चीजें हैं जब तक वो सेम नहीं होती आप उसे किसी चीज के साथ जोड़ नहीं सकते। अभी तक सिर्फ कार्तिक का आंसर आया है, सुमित का आंसर आया है, पायल ने दिखाया है, नीरज ने दिखाया है। ओके दीपिका का भी आंसर आ गया, माइनस एक अंडर रूट दो, एक अंडर रूट पांच। ओके ठीक है ठीक है, सब लिखो अपने अपने आंसर, मुझे सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं यहाँ पर, अच्छी बात है क्योंकि सब खुद ट्राई कर रहे हैं। वेरी गुड, कार्तिक का अंडर रूट तीन प्लस दो आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो सबने ट्राई कर लिया अपने पास से, सभी ने ट्राई कर लिया, काफी बच्चों ने बट अभी भी आंसर नहीं दिया। अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे जो आंसर मिले हैं, कार्तिक सुमित दीपिका निशा और नीरज ने दिखाई थी नोटबुक, पायल ने दिखाई थी नोटबुक, है ना। चलो साहिल ने भी लिख दिया अंडर रूट तीन प्लस दो, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं अब देखो ध्यान से। पहले मुझे चलो सबसे पहले स्टेप से चलते हैं, क्या तीन अंडर रूट पांच में कोई संख्या जुड़ सकती है, सबसे पहले no, चलते हैं यस और नो। नो। ओके नीरज नो बोल रहा है, बाकी बच्चे बाकी ने शायद जोड़ा है, तो बताओ तीन अंडर रूट पांच में कुछ जुड़ सकता है यहाँ पर, किसको no, जुड़ रहा है वो बोलो। पायल ने भी नो बोला है, और कोई? नो मैम। मैम जी हाँ बोलो। नो मैम, हम दो के बीच अंडर रूट पांच लगा सकते हैं क्या? क्यों लगा सकते हैं? दो और दो अंडर रूट दो और दो अंडर रूट पांच में तो फर्क है ना बेटा, ये दोनों तो अलग अलग नंबर हो गए ना, एक परिमेय संख्या हो गई एक अपरिमेय संख्या हो गई, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो तीन अंडर रूट पांच में कुछ भी नहीं जुड़ेगा यहाँ, तो आप तीन अंडर रूट पांच को फिर ऐसा ही रहने दोगे। ठीक है अब बात करते हैं माइनस दो अंडर रूट दो की, इसमें क्या जुड़ेगा या घटेगा जो भी है? माइनस अंडर रूट दो, माइनस अंडर रूट दो। ओके और कोई? क्या माइनस अंडर रूट दो इसके साथ जुड़ सकता है?
माइनस तीन अंडर रूट दो आ जाएगा। यस मैम, जुड़ सकता है। जुड़ सकता है, तो माइनस दो अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो, इनको जोड़कर क्या आएगा? सभी बच्चे ध्यान से सोच के जवाब देना बेटा। माइनस तीन अंडर रूट दो। माइनस तीन अंडर रूट दो। सभी बच्चे एग्री करते हैं? हाँ, क्योंकि दो के अंडर रूट दो के साथ माइनस दो है और इसके साथ माइनस एक है, तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन हो जाता है, तो माइनस तीन अंडर रूट दो आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब क्या इस अंडर रूट, इस खाली जो दो बचा है आपके पास, इसमें कुछ जोड़ सकते हो? मैम नहीं जोड़ सकते, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो बस अब बताओ, क्या इसके आगे सॉल्व हो सकता है? ये क्या इसके आगे सॉल्व? जिन्होंने दो लिखा था उन्होंने क्या मिस्टेक करी? तीन अंडर रूट पांच में से तीन अंडर रूट दो को घटा दिया। नहीं घट सकता ना बच्चों, ये नहीं घट सकते। अभी क्लियर हुआ? रॉन्ग भी थे आंसर्स, कोई बात नहीं, ट्राई किया। अब आपको ट्राई करने के बाद जब मिस्टेक्स पता चलती है वो आपको और अच्छे से समझ में आता है, इसलिए बोलती हूँ ट्राई करो, रॉन्ग होगा और अच्छी बात है। क्लियर आ गया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। सब बताओ जिनके रॉन्ग हुए उनके भी, सभी के रॉन्ग हुए थे। नीरज का भी फर्स्ट टाइम में रॉन्ग था। यस मैम, रॉन्ग था मैम, है ना? अभी सबको क्लियर है? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर करके आएंगे, रॉन्ग हुए भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे, जिसका जो आंसर आएगा वो आंसर लिखना। अंडर रूट तीन माइनस दो अंडर रूट पांच, अब इसमें से घटाना क्या है? छह अंडर रूट तीन प्लस दो अंडर रूट पांच। आराम से ट्राई करो, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना। कर लिया मैम। कर लिया है, ओके। चलो चैट में आंसर लिख दो, क्योंकि सब अपने हिसाब से ट्राई करेंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, चैट में लिखते जाओ जिसका सॉल्व हो रहा है। ओके, दीपिका ने कर लिया है। दीपिका बेटा एक बार और अपना आंसर चेक करो। पायल आप भी एक और बार आंसर चेक करो, खुद से मिस्टेक ढूंढने की कोशिश किया करो अपनी आप लोग, है ना? एक मिनट नीरज, मुझे भी थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। ठीक लग रहा है मुझे आपका, पर मुझे आंसर थोड़ा सा, एक बार आप फाइनल आंसर चैट में लिखोगे नीरज? आपका आंसर थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है मुझे। कार्तिक आपका देखती हूँ मैं एक मिनट। आपका भी ठीक लग रहा है बट मुझे माइनस देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। हाँ ठीक है, कार्तिक का आंसर मैंने देख लिया। दीपिका आप एक बार अपने आंसर को दोबारा से देखो। यस पायल अभी ठीक है। अभी ठीक है, सभी खुद से ट्राई करो। ठीक है ठीक है, दीपिका एक बार अपने आंसर को दोबारा से देखो, कहाँ गड़बड़ हुई है? दयावंती एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है आंसर में। यस नीरज आपका भी ठीक है, तो नीरज कार्तिक और नीरज कार्तिक पायल इन तीनों का ठीक है। दीपिका हाँ अब आपका भी ठीक है। निशा माइनस की कमी है। सुमित माइनस। हाँ आरती का भी ठीक है। साहिल बच्चे दूसरों का आंसर देख के नहीं लिखो, अपना खुद से सॉल्व करो। तो पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस छ अंडर रूट तीन माइनस दो अंडर रूट पांच। ये चीज सभी को पता है क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और इस माइनस की इस प्लस से गुणा होगी तो माइनस आएगा। यहाँ तक सभी का ठीक था? वैसे यहाँ तक मैंने देखा था सबका ठीक था। हाँ मुस्कान आपका भी ठीक है।
यहाँ तक सभी ने ठीक किया था। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने इसको 6√3 और √3 को जोड़ दिया था कुछ बच्चों ने शुरू में, जबकि इस 3 के साथ आप यहाँ रफ में करके देख लो, इस 3 के साथ क्या है, 1 है, प्लस का 1 है, और इस 3 के √3 के साथ -6 है। तो 1 - 6 कितना होता है बच्चों, -5 होता है, -5 √3 आ जाएगा। अब यही साइड में रफ में देखो, इस √5 के साथ क्या है, -2, इस वाले √5 के साथ क्या है, -2, और -2 - 2 कितना होता है, -4, तो -4 √5 आ जाएगा। तो ये जिसका भी आंसर आया था वो सबका ठीक था। अभी सबको क्लियर हो गया, छोटी सी मिस्टेक हो रही थी सबकी एक माइनस लगाने की, अभी क्लियर है सबको, गड़बड़ तो नहीं करेगा कोई भी, नो मैम, ओके गुड। अब सीखते हैं हम गुणा कैसे करेंगे, ठीक है, जोड़ घटाव अच्छे से समझ में आ गया, सिर्फ जोड़ और घटाव में क्या देखना है, अंडर रूट के अंदर संख्या जो है वो सेम होनी चाहिए, जब तक सेम नहीं होगी आप जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। जोड़ घटाव क्लियर है, यस मैम, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा की, गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। एक मैं पहले मैं अभी इस वाले एग्जाम्पल को रहने देते हैं, एक मैं पहले मैं बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ आपको क्या करना है, √2 × √2, ठीक है, चलो इसी को देख लेते हैं पहले, ठीक है। अगर कोई भी अंडर रूट के अंदर संख्या है और कोई दूसरी संख्या है तो उन्हें आप एक साथ लिख सकते हो, जैसे अगर √2 है उसकी गुणा √3 से हो रही है, आप उसे √√2 × 3 लिख सकते हो, जो किसके बराबर आ जाएगा, √6 के बराबर। तो आप गुणा और भाग में उन्हें एक साथ कर सकते हो। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया, यस मैम। ये नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी अगर कोई अलग अलग नंबर होंगे या सेम नंबर होंगे आप उन्हें एक गुणा के अंदर लिख सकते हो, और अगर इस तरह से भी दिया गया है, अगर आपको √2 × √3 भी दिया गया आप उन्हें अलग अलग भी करके लिख सकते हो, आप √2 अलग से लिख सकते हो, √√3 आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. और देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर √2 के साथ यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी एक है, तो एक की एक से गुणाओं की एक आ जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2, अब क्या आ जाएगा इस अंडर रूट के बाहर, 2, क्योंकि 2 × 2। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2, तो आप 2 × 2 = 4, तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं अंडर रूट से गुणा होंगी और अंडर रूट के बाहर वाली संख्याएं अंडर रूट के बाहर वाली संख्या से गुणा होंगी। जैसे अगर 2√8 गुणा 9√2 की मैं बात करूं, आप इसको क्या करोगे, अंडर रूट की गुणा अंडर रूट से और 2 की गुणा 9 से, मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, 18√16। फुल सॉल्व करके एक बार ध्यान से नोटबुक पर लिखो, पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आना चाहिए सभी बच्चे, अगर किसी को समझ में नहीं भी आया वो पूछो, मैं रिपीट करूंगी। √18 ओके, चैट में लिखो बच्चे, चैट में 2 की गुणा आप 9 से करो, 9 × 2 = 18, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 8 × 2 आ जाएगा, तो जिसको आप क्या लिख सकते हो, 18√16। अब मुझे बताओ वर्गमूल 16 का मतलब क्या होता है बच्चों, 18 only 4। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। एक मिनट, नहीं मेरी मुस्कान एक मिनट, 2 कैसे आया बेटा, 2 कैसे आया, आप लोग एक बात बताओ, अंडर रूट 16 लिखना है ना आपको, वर्गमूल 16 कितना होता है, वर्गमूल 16 कितना होता है मुस्कान, तो आप उसे फिर से वर्गमूल में क्यों लिख रहे हो, नहीं लिखेंगे ना दोबारा से वर्गमूल में, नो मैम। हाँ तो उसे ठीक करके लिखो फिर आंसर को अपने, वेरी गुड, 18√4 तक सबका ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करो, 18√4 = 4 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो
तो सबको समझ में आया, गुणा गुणा बहुत आसान है, जोड़ घटाव में आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन गुणा बहुत ही आसान है। सबको समझ में आ गया अच्छे से गुणा कैसे होगी। चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सबने, इजी क्वेश्चन है काफी। साठ मैम। ओके चलो तीन ही ऑप्शन काफी है, साठ आ रहा है ऑप्शन हटा दो। सभी को समझ में आया, तीन की गुणा किससे करोगे, तीन की गुणा करोगे दो से, तीन दूनी छह, अंडर रूट दस की गुणा जब आप अंडर रूट दस से करोगे, दस गुणा दस कितना हो जाएगा, सौ आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो दस के बराबर आ जाएगा, तो छह गुणा दस साठ आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिल गई, जब आपने अंडर रूट दस की गुणा अंडर रूट दस से करी बच्चों, कितना आ गया फिर, तो अंडर रूट, तो हमारे पास दस आ गया, दस आया ना सॉल्व करके। तो अगर अंडर रूट दो की गुणा अंडर रूट दो से आप कर रहे हो, कितना आएगा, दो, दो आएगा। अंडर रूट तीन की गुणा अंडर रूट तीन से कर रहे हो, तो कितना आएगा, तीन आएगा। और अगर आपको याद हो, शायद हमने पढ़ा भी था कि अगर वर्गमूल की संख्या है उसका वर्ग करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ये पढ़ा है कहीं पे। Yes, ma'am. तो yes, ma'am. असल में यही हो रहा है, समझ में आ रही है बात, हम जो कहते हैं कि कट जाता है, कटता नहीं है, वो सॉल्व हो जाता है। तो अंडर रूट की अगर सेम संख्या है तो वो गुणा करके वही आता है। क्लियर हो गया गुणा कैसे करना है, सभी yes, बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, कोई ऐसा जिसको कोई डाउट, पक्का, चलो अब भाग भी इसी तरह करना है। पांच वर्गमूल बीस को आपने किससे भाग करना है, नौ वर्गमूल पांच से। अब आप इन दोनों को एक साथ भाग कर दो, इन दोनों को एक साथ, तो पांच बटा नौ आप एक साथ लिख दो और वर्गमूल के अंदर बीस बटा पांच एक साथ लिख दो। आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो साथ में, अगर वर्गमूल ए बटा वर्गमूल बी दिया गया है, आप उनको एक साथ वर्गमूल ए बटा बी लिख सकते हो, या अगर आपको एक साथ दिया गया हो आप उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हो, बट याद रखना ये कभी भी जोड़ और घटाव में नहीं होता है। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा मैम, बच्चे चार्ट में लिखो, चार्ट में अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो पांच बटा नौ को पांच बटा नौ रहने दो, सिर्फ आप इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, बीस बटा पांच कितना होता है, चार आएगा, चार होता है, और वर्गमूल चार का मतलब क्या होता है, दो, 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 तो आप इसको क्या लिखोगे, दस बटा नौ आएगा। समझ में आया, मुस्कान आपका भी दस बटा नौ आया था, क्लियर, क्लियर है बच्चों, यस और नो, यस मैम, यस मैम, समझ में आ गया अच्छे से, यस मैम। चलो अब देखो यहाँ पर, अगर एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, उनका जोड़ या घटाव एक अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे अगर आप एक परिमेय संख्या ले लो और उसमें आप एक अपरिमेय संख्या ले लो, तो ये क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप अपरिमेय कहोगे, या फिर अगर आप इस तरह से लिख दो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भाग अपरिमेय ही होता है। जैसे अगर आप दो की गुणा एक अपरिमेय संख्या से कर रहे हो, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर आप दो का भाग अपरिमेय संख्या से कर रहे हो, ये भी अपरिमेय संख्या है।
लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा या भाग का परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। कोई इसका एग्जांपल दे सकता है मुझे लास्ट वाले पॉइंट का? हमने अभी अभी किया है ये। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा या भाग का परिणाम या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। कोई एग्जांपल दे सकता है? दो अपरिमेय संख्याएं लो कि उनको गुणा करके एक परिमेय संख्या आ जाए। सोचो, दो अपरिमेय संख्याएं लो जिनको गुणा करके परिमेय संख्या आती हो। अभी अभी हमने जस्ट एग्जांपल किया था एक ऐसा। ओके बट हाँ वेरी गुड, इसको सॉल्व करके वेरी गुड, बिल्कुल नीरज। पांच अंडर रूट बीस को जब हमने, हाँ वेरी गुड नीरज, पांच अंडर रूट बीस को जब हमने नौ अंडर रूट किससे भाग किया था, नौ अंडर रूट पांच से भाग किया था, तो हमें अपरिमेय संख्या मिली थी। आंसर आया था हमारा 10/9 आया था। बिल्कुल ठीक जवाब नीरज। और कोई सोच सकता है? और कोई सोचो, बहुत बेसिक सी चीज आप लोग भूल रहे हो। वेरी गुड कार्तिक, यही एग्जांपल मैं ढूंढ रही थी। जब आप अंडर रूट दो, अंडर रूट दो तो एक परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय है, उसकी जब उसी से गुणा करते हो आपको एक परिमेय संख्या मिल जाती है, मिल जाती है ना? Yes, ma'am. है ना? वेरी गुड निशा। तीन बेटा, तीन अंडर रूट 21, नौ अंडर रूट 3, मुझे समझ में आया ये वाला। ये अंडर रूट 6 की गुणा अंडर रूट 6 से करोगे 6 आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। और अगर आप अंडर, देखो जरूरी नहीं है सेम हो, अगर आप अंडर रूट 50 की गुणा अंडर रूट 2 से करोगे क्या परिमेय संख्या आएगी? ध्यान से देखो। नो मैम। अच्छा, जल्दबाजी में आंसर कभी मत किया करो, सोच समझ के जवाब दिया करो। मैं इसलिए ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आप सब ले रहे हो ना ये एग्जांपल, अंडर रूट 4 की गुणा अंडर रूट 4 से बिल्कुल ठीक, अंडर रूट 6 की गुणा अंडर रूट 6 से बिल्कुल ठीक है, बट इसके अलावा भी हो सकते हैं। देखो अंडर रूट 50 की गुणा अगर अंडर रूट 2 से होती है तो क्या आता है? अंडर रूट 50 गुणा 2 जो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 100 के बराबर। और अंडर रूट 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 होता है ना? Yes, ma'am. है ना? वेरी गुड, तो समझ में आया? Yes, ये जरूरी नहीं है, अगर दो अपरिमेय संख्याओं का आप भाग कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो वो परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय। Yes, ma'am. क्लियर? क्वेश्चन करोगे अब? एक कुछ क्वेश्चन कर ले, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। देखो ध्यान से करना क्वेश्चन, गड़बड़ मत करना, एक बार देख के दो बार चेक करके फिर आंसर करना। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 19, उसमें आपको क्या जोड़ना है? अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 11। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है बट इसमें काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं। वेरी गुड नीरज। वेरी गुड, जिन दो बच्चों ने किया है अभी तक बिल्कुल ठीक है, ध्यान से करना। इसलिए बिल्कुल मैं बोल रही हूँ बार बार, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ मत कर देना। प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रही हूँ कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, बहुत ध्यान रखो इस चीज का। एक हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अगर आप दो में से दो को घटाते हो तो जीरो आता है, दो माइनस दो जीरो आता है, और ये सेम चलता है। एक्स माइनस एक्स करोगे जीरो आएगा, वाई माइनस वाई करोगे जीरो आएगा, 2.2 माइनस 2.2 करोगे तो भी जीरो आएगा। हाँ नीरज आपका ठीक है, अभी आप नोटबुक मत दिखाओ नहीं तो बाकी लोग आंसर देख लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं, बट सभी आंसर दो, आराम से टाइम लो, क्वेश्चन को समझो। कर दिया मैम। हाँ बट अभी पांच बच्चे रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया है। आरती, विवेक आपने कर दिया, साहिल आपने कर दिया। यस मैम। अभी मैं आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन सिर्फ चार बच्चों का ठीक हुआ है, सिर्फ चार बच्चों का ठीक हुआ है, ज्यादातर बच्चों का रॉन्ग है ये क्वेश्चन। बच्चों
अंडर रूट 11, ठीक है, इसमें आप क्या जोड़ सकते हो? अंडर रूट 19 जोड़ सकते हो? नहीं, ये अंडर रूट 19 नहीं, माइनस अंडर रूट 11। आप एक स्टेप बढ़ा लिया करो बेशक, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है अंडर माइनस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19, ठीक है। अंडर रूट 11, इस अंडर रूट 11 के साथ क्या है? एक। इस अंडर रूट 11 के साथ क्या है? एक। एक माइनस एक जीरो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया था, दो माइनस दो जीरो, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 जीरो। इसी तरह यहाँ पे देखो, इस अंडर रूट, इसके साथ माइनस वन है, इसके साथ प्लस वन है, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। जीरो हो जाता है। आपके पास दोनों चीजें जीरो हो जाएंगी, तो आपका आंसर ही जीरो आएगा। समझ में आया बच्चों? यस मैम। सभी को? यस मैम। कहाँ मिस्टेक हुई थी? तो प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखा है। अब बताओ, अगर किसी को समझ में नहीं आई है चीजें, तो समझ में आ गई है? यस मैम। सभी को? यस और नो? यस मैम। अच्छा, अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, अब मुझे बताना एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, होल में आंसर करना है इसका। अब नया क्वेश्चन है, ठीक है, अब नया क्वेश्चन है, मैंने इसको बदल दिया है। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आपका ये वाला नहीं है, ये है क्वेश्चन, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, निशा माइक बंद करिए अपना। नया क्वेश्चन दिया है, सारे बच्चे ध्यान देना। कर दिया, ओके। ठीक है, तीन बच्चों ने, अभी मेरे पास तीन के आंसर आए। ओके ओके, ठीक है, सभी ट्राई करो बच्चे। बच्चों, क्वेश्चन बदल दिया है मैंने, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कि काफी सारे बच्चों जिनको नहीं, जिनके ऑप्शन गलत हो जाते हैं ना, वो पूछा करो कि मैम मेरा गलत हो रहा है बार बार, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, फटाफट बाकी बच्चे भी आंसर करो, अभी तक तीन ही बच्चों ने ठीक किया है। चार बच्चों का ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। वेरी गुड कार्तिक। अंडर रूट 11 में क्या जुड़ सकता है? प्लस अंडर रूट 11। आप उन्हें एक साथ लिख लो, अंडर रूट 11 में जब आप अंडर रूट 11 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएंगे? कितने अंडर रूट 11 है यहाँ पे? यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, एक और एक में जोड़ दो तो दो, दो अंडर रूट 11। ये माइनस अंडर रूट 19 है और ये भी माइनस अंडर रूट 19 है, तो इसके साथ आप यहाँ साइड में करते रहो, रफ करो। इसके साथ माइनस एक है, इसके साथ भी माइनस एक है, माइनस एक कितना हो जाता है? माइनस दो हो जाता है, तो माइनस दो अंडर रूट 19 होना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है इसका? बी ऑप्शन करेक्ट होता, बट पांच ही बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, बाकी सबने ए किया है, सी किया है या डी किया है। कौन है जिस जिसका रॉन्ग हुआ था? बच्चों समझ में नहीं आया है तो पूछो, समझ में अगर नहीं आया है तो पूछो। समझ में आ गया है? यस और नो? यस मैम। पक्का? यस मैम। अच्छा चलो, अभी एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन बदल रही हूँ, ठीक है। अब बताना एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अभी देखते हैं कितने बच्चों को सच में समझ में आया। पोल में ही आंसर करेंगे, कोई चार्ट में नहीं लिखेगा। अब क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, अच्छा ठीक है कार्तिक, कोई बात नहीं, ड्रॉप कर सकते हो आप, आंसर सबमिट कर दो फिर जा सकते हो।
कर दिया मैम। ठीक है, ब्रैकेट ध्यान से खोलेंगे साहब। दो बच्चों ने आंसर किया है अब तक। बच्चों आप लोग बहुत माइनर सी मिस्टेक कर रहे हो। माइनस अंडर रूट 19, ये क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 19 और माइनस माइनस प्लस प्लस अंडर रूट 11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? अंडर रूट 11 में अंडर रूट 11 जुड़ा तो दो अंडर रूट 11, माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 दो माइनस दो अंडर रूट 19। डी ऑप्शन करेक्ट होता ना? यस मैम। समझे बात को? थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बट आ जाएगा। हम इनकी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है मैम जी? चल, हाँ जी बोलो।